तो 23 फरवरी से टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ रांची में चौथा टेस्ट मुकाबला खेलना है, जिससे जुड़ी पांच बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। वहीं टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी है तो वहीं एक बुरी खबर भी है। तो क्या है ये पांच अपडेट, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की, और पहली खबर है दोस्तों केएल राहुल से जुड़ी। जी हां दोस्तों, केएल राहुल टीम इंडिया में वापसी करेंगे। केएल राहुल दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने पीठ के दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद वो सब्जेक्ट टू फिटनेस हो गए थे। लेकिन अचानक से दोस्तों खबर आई कि वो तीसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। लेकिन अब फाइनली केएल राहुल चौथे टेस्ट मुकाबले में वापसी कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से फिट हैं। वहीं दोस्तों बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यह है कि अगर केएल राहुल आएंगे तो बाहर कौन जाएगा। तो दोस्तों एक ही खिलाड़ी है जो बाहर जाएगा, वो है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार के बल्ले से दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी रन नहीं आए थे, हालांकि उनको बहुत ही शानदार मौके मिले दो, लेकिन उन्होंने दोनों मौके गवाए। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने मौका गवाया है और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले। इसीलिए दोस्तों केएल राहुल जब टीम इंडिया के अंदर आएंगे, चौथा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे, तो रजत पाटीदार को दोस्तों बाहर जाना पड़ेगा। और रजत पाटीदार दोस्तों बाहर जाएंगे और चार नंबर पर आपको केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे चौथे टेस्ट मुकाबले में। वहीं दोस्तों बात करेंगे हम तीसरी बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट है जसप्रीत बुमराह को लेकर। दोस्तों जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिया जाएगा चौथे टेस्ट मुकाबले से। हालांकि दोस्तों खबर आई थी कि वो तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी नहीं खेलेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों क्योंकि दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में काफ़ी अंतर था तो इसलिए जसप्रीत बुमराह को तीसरा टेस्ट मुकाबला यहाँ पर खेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह आपको चौथे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, जिससे कि दोस्तों कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है वो कमज़ोर होती है। लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जसप्रीत बुमराह आपको चौथे टेस्ट मुकाबले में खेलते नजर नहीं आएंगे। जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अगर जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे तो उनके जगह पर कौन खेलेगा। दोस्तों दो ऐसे नाम हैं जो जसप्रीत बुमराह के जगह पर जो है वो खेल सकते हैं। दोस्तों पहला नाम है जिसमें मुकेश कुमार का, और दूसरा नाम है दोस्तों अक्षर पटेल का। ये दोनों खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की जगह ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या टीम इंडिया दो पेसर्स के साथ जाएगी। अगर टीम इंडिया दो पेसर्स के साथ जाती है तो मुकेश कुमार की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। वहीं टीम इंडिया एक पेसर के साथ जाती है, सिराज के साथ जाती है, तो फिर अक्षर पटेल की भी टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों ये थी चौथी बड़ी खबर जो कि चौथे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी है, क्योंकि यहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा। और अगर दोस्तों टीम इंडिया जो है वो चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाती है और उसी के साथ टीम इंडिया सीरीज भी जीत जाएगी, तो वैसे में दोस्तों जसप्रीत बुमराह आपको पांचवा टेस्ट मुकाबला भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबला हार जाती है, इंग्लैंड इस मुकाबले में वापसी करती है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है जसप्रीत बुमराह के जाने से थोड़ी सी कमजोर होगी। लेकिन दोस्तों क्योंकि स्पिनर्स जो हैं भारतीय टीम के वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे में जसप्रीत बुमराह के जाने से थोड़ी जो गेंदबाजी है टीम इंडिया की वो कमजोर तो होगी, लेकिन भारतीय स्पिनर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि भारतीय जो गेंदबाजी है वो ठीक ठाक रहेगी अगर जसप्रीत बुमराह जाते भी तो मुकेश कुमार या अक्षर पटेल की एंट्री होने के बाद। वहीं दोस्तों चौथी बड़ी खबर यही थी कि वो जसप्रीत बुमराह जाएंगे तो अंदर कौन आएगा। दो बड़े नाम हैं जिसमें दोस्तों मुकेश कुमार भी शामिल हैं, मुकेश कुमार की भी एंट्री हो सकती है प्लेइंग 11 में। इसके साथ ही दोस्तों अक्षर पटेल को भी मौका मिल सकता है अगर टीम इंडिया एक प्लेयर के साथ जाती है। और दोस्तों सबसे वहीं दोस्तों बात करेंगे अगर पांचवीं बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों पांचवीं बड़ी अपडेट है जायसवाल को लेकर। दोस्तों जायसवाल को लेकर रोहित शर्मा ने एक स्टोरी शेयर की है जिसमें लिखा है आजकल के लड़के, और जिसमें दोस्तों तीन चेहरे दिख रहे हैं जिसमें दोस्तों यशस्वी जायसवाल हैं, ध्रुव जिरेल हैं और सरफराज खान हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं सरफराज खान, ध्रुव जिरेल और यशस्वी जायसवाल से काफ़ी इंप्रेस हैं रोहित शर्मा। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन खिलाड़ियों की तारीफ की, और अब स्टोरी में भी दोस्तों स्टोरी में भी इन तीन खिलाड़ियों को उन्होंने मेंशन किया और उनकी पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि आजकल के लड़के। वहीं दोस्तों बात करेंगे जायसवाल की, तो जायसवाल ने दोस्तों कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और दोस्तों 2023 से 2025 WTC फाइनल के जो साइकिल है उसमें दोस्तों यशस्वी जायसवाल नंबर एक पर आ गए हैं मोस्ट रन, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में। तो दोस्तों पांच बात करें अगर पांच ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं
2023 से 2025 के WTC साइकिल में। तो दोस्तों पांचवें नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, जिन्होंने 630 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों नंबर चार पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 687 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों नंबर तीन पर आते हैं इंग्लैंड के जैक क्रॉली, उन्होंने 706 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम नंबर दो की, तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा आते हैं, जिन्होंने 855 रन बनाए हैं। और दोस्तों अगर बात करें नंबर एक की, तो नंबर एक पर आते हैं टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 881 रन बनाए हैं। और अभी भी दोस्तों जायसवाल को दो टेस्ट मुकाबले और खेलने हैं, चौथा और पाँचवा। ऐसे में दोस्तों ये जो 861 रन हैं, ये 1000 या उससे भी पार जा सकते हैं अगर जायसवाल के बल्ले से एक भी बड़ी पारी आती है तो। वहीं दोस्तों एक और बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है जायसवाल ने इस सीरीज में, दोस्तों एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अब जायसवाल दोस्तों नंबर एक पर आ गए हैं। एक टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में जायसवाल जो है वो नंबर एक पे हैं। वही दोस्तों अगर इस मामले में नंबर टॉप थ्री की बात करें, तो नंबर तीन पर आते हैं दोस्तों नेथन एस्टले, इन्होंने दोस्तों 11 छक्के लगाए हैं। और नंबर दो पर आते हैं दोस्तों पाकिस्तान के हैं वसीम अकरम, जिन्होंने 12 छक्के लगाए थे। और अब दोस्तों जायसवाल ने भी 12 छक्के लगाकर जो है वो नंबर एक की पोजीशन हासिल कर ली है। तो दोस्तों पांच बड़ी अपडेट जो मैंने आपको बता दी टीम इंडिया को लेकर चौथे टेस्ट से जुड़ी आ रही हैं, जिसमें दोस्तों KL राहुल की वापसी होगी और रजत पाटीदार को दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों रजत पाटीदार के बल्ले से इस सीरीज में रन नहीं आ रहे हैं। दो टेस्ट मुकाबले उनको दिए गए और उनके पास दोस्तों बहुत ही शानदार मौका था इस मुकाबले में, इस दो मुकाबलों में रन बनाने का और अपनी टीम में जगह पक्की करने का, लेकिन उन्होंने इन मौकों को गवाया है। वहीं दोस्तों बात करेंगे दूसरी बड़ी अपडेट की, तो जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे। जसप्रीत बुमराह आपको चौथा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे और टीम इंडिया यह मुकाबला चौथा जीतती है तो जसप्रीत बुमराह आपको पांचवा टेस्ट मुकाबला भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं दोस्तों जो चौथी बड़ी अपडेट है वो है ये कि जसप्रीत बुमराह बाहर जाएंगे तो मुकेश कुमार या अक्षर पटेल में से कोई एक टीम इंडिया में जगह बनाते हुए दिखेगा, प्लेइंग 11 में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। पांचवें दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि रोहित शर्मा ने जायसवाल की दोस्तों काफी तारीफ की है, स्टोरी लगाई है और जिसमें लिखा है आजकल के लड़के, जिसमें दोस्तों सरफराज खान भी हैं। और सरफराज खान को लेकर भी दोस्तों रोहित ने जो है स्टोरी लगाई है और वो जो हैं वो भी उसी स्टोरी में उनकी भी पोस्ट लगाई है। और सरफराज खान की दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी तारीफ की रोहित शर्मा ने और इन तीनों खिलाड़ियों को दोस्तों जमकर तारीफ की है रोहित शर्मा ने। और दोस्तों ध्रुव जरेल को MS धोनी का दूसरा रूप बताया जा रहा है, कुछ लोग जो हैं MS धोनी को दूसरा रूप बता रहे हैं ध्रुव जरेल का। लेकिन दोस्तों वहीं बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं उनसे ये हार पच नहीं रही है और मुकाबला खत्म होने के बाद जो कप्तान बेन स्टोक हैं वो मैच रेफरी और एम्पायर के पास गए थे, जहां दोस्तों जैक क्रॉली को आउट दिया गया था एम्पायर कॉल के चलते। वहां पर दोस्तों उन्होंने जो है एम्पायर कॉल को हटाने की मांग की है कप्तान बेन स्टोक ने। उन्होंने कहा है कि जब बॉल जो है वो रिप्ले में स्टंप पे नहीं लग रही है तो ऐसे में एम्पायर कॉल का क्या मतलब है, इस एम्पायर कॉल को जो है वो हटाना चाहिए, क्योंकि जब बॉल लगी नहीं रही है तो फिर एम्पायर कॉल की वजह से किसी भी खिलाड़ी को आउट आप कैसे दे सकते हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है एम्पायर कॉल को लेकर। हालांकि दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।